ईद उल अज़हा प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन मौका है। गोश्त जरूर खाएं, लेकिन जरा एहतियात से। जोड़ों के दर्द, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज कुर्बानी का गोश्त एतदाल से खाएं और गोश्त के साथ सलाद, पुदीना, लीमू और दही का रायता जरूर इस्तेमाल करें और पानी ज्यादा पिएं। दिल के मरीज, गुर्दे, मगज, सिरी पाए और कलेजी ना खाएं। भुने हुए गोश्त के बजाय भाप से तैयार शुदा और उबला हुआ गोश्त ज्यादा बेहतर है। यूरिक एसिड की ज्यादती और गुर्दों के मरीज गोश्त का इस्तेमाल मुआलिज के मशवरे के मुताबिक करें। गोश्त जरूर खाएं, लेकिन इस जमन में एतदाल और एहतियाती तदाबीर को भी जहन में रखें। ईद कुर्बान के मौके पर गोश्त खाने में एहतियात करें। गोश्त के पकवानों में ज्यादा मिर्च मसाले ना डालें। नेज इन पर सब्ज धनिये के गार्निश जरूर करें। ऐसी चटनियां जिनमें जीरा, पुदीना, अजवाइन शामिल हो, उसका इस्तेमाल मुफीद है। गोश्त का मिजाज गर्म है, इसलिए इसे मुतदिल करना जरूरी है। इसके लिए गोश्त खाने के साथ साथ सब्जियों का इस्तेमाल भी जारी रखें। सब्जियों में टमाटर, फलियां, सलाद, मूली, गाजर, चुकंदर, मटर का इस्तेमाल मुफीद है। वाजे रहे कि खीरा सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। उबला हुआ, भाप में तैयार किया हुआ गोश्त भुने हुए गोश्त से बेहतर है। गोश्त का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल फौरी तौर पर नुकसान ना दे तो भी आने वाले दिनों में कई दीगर अमराज का सबब बन सकता है। खुसूसन दिल के मरीज चर्बी वाला गोश्त, गुर्दे, मगज, सिरी पाए, कलेजी वगैरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चर्बीले मादे कोलेस्ट्रॉल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बकरे का गोश्त हर उम्र और हर मर्ज के अफराद के लिए जरूरी है, जबकि गाय का गोश्त खारिश, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, बवासीर, शुगर के मरीज एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। गाय के गोश्त में कोलेस्ट्रॉल बकरे के गोश्त के निस्बत ज्यादा होता है, जबकि ऊँट के गोश्त में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। गोश्त खाने के फौरन बाद पानी पीने से दिल की तकालीफ मजीद बढ़ सकती है, लिहाजा गोश्त खाने के फौरन बाद पानी पीने से इज्तनाब किया जाए। इसके अलावा जरूरी है कि कुर्बानी के गोश्त वाले एक खाने के बाद दूसरे खाने में कम से कम 6 से 5 घंटे का फर्क रखा जाए। ईद उल अज़हा के मौके पर अक्सर हलक में हड्डी फंसने के वाकयात रौनुमा हो जाते हैं, लिहाजा हड्डी वाला गोश्त खाने से खुसूसी एहतियात बरतें। खुसूसन छोटे बच्चों को बगैर हड्डी के गोश्त में अपनी निगरानी में खिलाएं। अपनी गिजाई जरूरियात पूरी करने के लिए इंसान मुख्तलिफ इकसाम की खुराक खाता है, जिसमें फल, सब्जियां, गोश्त, मशरूबात वगैरह शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों को अपनी जगह खास अहमियत हासिल है। दूसरी गिजाई अज्जा के अलावा गोश्त भी इंसानी खुराक का अहम जुज़ है, जिससे जिस्म को प्रोटीन, आयरन, विटामिन बी वगैरह हासिल होता है, जो कि एक सेहतमंद जिस्म के लिए जरूरी है। ताहम हर किस्म की गिजा के अपने फवायद और नुकसान होते हैं, इसलिए इसको आम रूटीन में जरूरत के मुताबिक खाना चाहिए। गोश्त खाने में गैर मामूली ज्यादती संगीन किस्म के सेहत के मसाइल बन सकते हैं। मछली और मुर्गी के गोश्त को आमतौर पर व्हाइट मीट कहा जाता है, इससे इंसानी जिस्म को प्रोटीन वगैरह हासिल होता है। व्हाइट मीट में क्लोरीज और चिकनाई की मकदार निस्बतन कम होती है। इस तरह चौपाओं और दूध पिलाने वाले जानवरों मैमल्स का गोश्त रेड मीट कहलाता है। छोटा गोश्त में चिकनाई की मकदार चिकन की निस्बत ज्यादा होती है। बीफ, बड़े गोश्त में चिकनाई की ज्यादा मकदार होती है, ताहम इससे दूसरी गिजाई जरूरियात मसलन प्रोटीन, जिंक, फॉस्फोरस, आयरन और विटामिन बी वगैरह पूरी तरह मिलता है। व्हाइट मीट और रेड मीट दोनों के अपने फवायद और नुकसान हैं, इसलिए इन्हें एक हद तक इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। तिब और गजायत के मैदान में होने वाली रिसर्च से पता चला है कि आम रूटीन में सुर्ख गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ संगीन नौयत की बीमारियों, मसलन कैंसर, दिल के अमराज, डायबिटीज, मैदा, जिगर की बीमारियों का बाइस बन सकता है। इसके अलावा बास स्टडीज के मुताबिक इसके ज्यादा इस्तेमाल से उस वक्त पहली अमवात भी वाकई हो सकती है। बिलखुसूस वो लोग जो पहले से ही इन बीमारियों में मुब्तला हैं, उन्हें सुर्ख गोश्त के इस्तेमाल में गैर मामूली एहतियात बरतनी चाहिए। हमारे यहाँ शहरों में डब्बों में पैक गोश्त की खरीदो फरोख का रिवाज आम होता जा रहा है। प्रोसेस्ड सुर्ख गोश्त से भी सेहत के मसाइल लाहक होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक अगर प्रोसेस्ड सुर्ख गोश्त को रोजाना एक बार भी खाने में इस्तेमाल किया जाए तो दिल की बीमारियों में मुब्तला होने के इम्कान 42% तक, जबकि डायबिटीज में मुब्तला होने के इम्कान 19% तक बढ़ जाते हैं। ऐसे गोश्त को महफूज करने के लिए नाइट्रेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाज साइंसदानों के नज़दीक कैंसर पैदा करने का मौजब बनता है। इसलिए इस तहकीक में लोगों को ताकीद की गई है कि वो कैंसर के खतरे से बचने के लिए प्रोसेस्ड सुर्ख गोश्त से इज्तनाब करें। जो लोग सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं, अगर वो सुर्ख गोश्त की मकदार अपने मामूल की खुराक में कम कर दें तो स्टडीज के मुताबिक उनके सेहत में भी बेहतरी की काफी गुंजाइश मौजूद है। हमारे यहाँ शहरों में फास्ट फूड कल्चर्स भी जड़ पकड़ चुका है। नौजवान और मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाली फैमिलीज भी बड़ी कसरत और रुगबत के साथ इसे खाते हैं। इन फास्ट फूड आइटम्स में भी चिकन और गोश्त के दूसरे इकसाम शामिल होती हैं। इसे मामूल का हिस्सा बना लेने से सबसे ज्यादा मोटापे की शिकायत पैदा होती है, जो कि खुद एक बीमारी है
اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ نیز ان کے استعمال سے صحت کے مختلف دوسرے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عید کے موقع پر گوشت کھانے میں بے احتیاطی سے بچیں۔ عید الاضحیٰ، جسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا تہوار ہے۔ اس دن مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر گوشت کو زیادہ عرصے تک سٹور کرنا بھی زیادہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک گوشت فریز کرنے کا سوال ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ گوشت کو ہفتے 10 دن سے زیادہ فریز نہ کیا جائے اور جلد سے جلد استعمال کر لیا جائے۔ ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے گوشت کا خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اگر اس مسئلے کا سامنا نہ ہو تو بھی گوشت کی کوالٹی اور غذائیت میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ گوشت کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اسے فریز بھی کیا جاتا ہے یا کچھ لوگ گوشت ابال کر نمک لگا کر اسے خشک بھی کر لیتے ہیں۔ گوشت خراب ہونے کی علامات میں اس کا رنگ تبدیل ہونا یا بو آنا وغیرہ شامل ہے۔